जिला परिषद और पंचायत समिति के दूसरे चरण का मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। आपको बता दें कि 21 जिलों की 59 पंचायत समितियों में मतदान इसके लिए हो रहा है। 1137 सदस्यों और संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान जारी है। 1137 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3472 प्रत्याशी मैदान में हैं। 8403 मतदाता केंद्रों पर मतदान केंद्रों पर जो मतदान है वो रहा है। 59,86,378 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 3,89,493 में पुरुष मतदाता है। इसके अलावा 28,96,868 जो है वो महिला मतदाता है। साथ ही 17 अन्य मतदाता भी मतदान कर पाएंगे। 21,000 ईवीएम से मशीनों के उपयोग लेकर ये मतदान जो है वो हो रहा है और 42,000 से ज्यादा कार्मिक जो है वो चुनाव सम्पन्न करा रहे हैं। 8 दिसम्बर को मतगणना इस चुनाव की होगी। तो दूसरे चरण का चुनाव आज जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान यहां पर हो पाएगा। आपको बता दें कि 21,000 ईवीएम मशीनों से मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहां पर कराई जा रही है। 42,000 से ज्यादा कार्मिकों की बड़ी टीम जो है वो चुनाव संपन्न कराने में जुटी हुई है। 8 दिसंबर को चूंकि मतगणना है और प्रदेश में लगातार सिलसिलेवार ये तीसरे चौथे बड़े चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जिला परिषद और पंचायत समिति के दूसरे चरण के मतदान के बाद में स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा कितनी व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमने पहले भी चुनाव देखे, नगर निगम के चुनाव देखे, उससे पहले पंचायत के चुनाव देखे, तो काफी ज्यादा पुरजोर व्यवस्थाएं यहां पर रही। छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो बहुत ज्यादा माकूल व्यवस्थाएं यहां पर कोविड के संबंध में भी की गई। तो आज जो है दूसरे चरण का मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग हो पाएगी, जिसके बाद में स्थितियां अधिक स्पष्ट होगी। और 8 दिसंबर को चूंकि मतगणना है, 59 लाख से भी ज्यादा मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव के लिए कर रहे हैं। 30,89,493 पुरुष मतदाता है और महिला मतदाताओं की संख्या भी 28 लाख से ज्यादा है इस चुनाव के लिए। 21,000 से ज्यादा ईवीएम मशीन जो है चुनाव में कार्य ली जा रही है। साथ ही जो कार्मिकों की संख्या है, चुनाव कराने वाले कार्मिकों की संख्या वो भी काफी ज्यादा बड़ी है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए जिस प्रकार के प्रदेश में स्थितियां पनप रही है कोरोना के संबंध में, ऐसी स्थितियों में दूसरे चरण का चुनाव है जिला परिषद और पंचायत राज सदस्यों का, कितनी माकूल व्यवस्थाएं, वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग, क्या रुझान फिलहाल इतने अभी के समय तक देखने को मिल रहा है? देखिए जी, बात करें तो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव, जिसमें पूरे राजस्थान के 21 जिलों में ये जो चुनाव है संपन्न करवाए जा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में 59 जो पंचायत समिति है उनके अंदर जो चुनाव है वो करवाया जा रहा है, जिनमें 59 पंचायत समिति के जो सदस्य और साथ साथ उनसे संबंधित जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनके लिए जो चुनाव है वो करवाया जा रहा है। पहले चरण में 65 पंचायत समितियों के अंदर चुनाव हुए थे और उनसे संबंधित जो जिला परिषद की जो सीटें थी जो उनके लिए चुनाव है संपन्न करवाए जा चुके हैं। पहले चरण में 61.81% मतदान है वो हुआ है, यानी कि 60% के करीब जो मतदान प्रतिशत है वो पहले चरण में हुआ है। दूसरे चरण का जो मतदान है सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुका है। इसमें 59 जो पंचायत समिति है उनके जो चुनाव है उनमें चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, जहां पर तकरीबन 60 लाख के करीब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग वो करेंगे। बात करें तो 59 पंचायत समितियों में 1137 सदस्यों के लिए जो चुनाव है वो ये करवाए जा रहे हैं और इसी में जो संबंधित जो जिला परिषद के चुनाव है वो हो रहे हैं। इसमें जो 1137 जो सदस्यों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, जहां पर 3472 जो प्रत्याशी चुनाव 3472 जो प्रत्याशी चुनाव मैदान
मैदान में है, यानी कि बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी है, तकरीबन औसतन देखा जाए तो एक पंचायत समिति पर तीन से चार, जो एक पंचायत समिति के वार्ड पर तीन से चार जो प्रत्याशी है वो चुनाव मैदान में है। इसी के साथ बात करें तो जो 1137 जो वार्ड है उनके लिए जो चुनाव हो रहे हैं उनमें 21,000 के करीब ईवीएम वो लगाई गई है, साथ साथ 42,000 के करीब जो कार्मिक है वो चुनाव संपन्न करवा रहे हैं। ऐसे में पहले चरण में जहां 25,000 के करीब ईवीएम थी और वहां पर 50,000 के करीब जो कार्मिक थे वो चुनाव करवा रहे थे दूसरे चरण में, हालांकि जो पंचायत समिति सदस्यों की जो संख्या है वो भी कम हुई है। और ऐसे में 59 जो पंचायत समितियों के चुनाव हो रहे हैं जहां 1137 जो सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं और उसी के तहत यहां पर ईवीएम और कार्मिकों की संख्या भी घटी है। हालांकि मतदाताओं की बात करें तो तकरीबन 60 लाख यानी कि 59,86,378 जो कुल मतदाता है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष जो मतदाता है उनकी बात करें तो उसमें 30,89,493 पुरुष और 28,96,868 महिला मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इसी के साथ में 17 अन्य मतदाता है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, हालांकि पहले चरण में 23 ऐसे जो अन्य मतदाता है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब बात करें जो कोरोना संबंधी जो गाइडलाइन की, तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोरोना संक्रमण प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पहले ही गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई थी, और उसी गाइडलाइन के अनुसार पहले पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद में नगर निगम, 6 नगर निगम के चुनाव संपन्न करवाए गए और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव है वो संपन्न करवाए जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी पूरी तरह से निर्देश है वो दिए गए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी देर रात जो उन्होंने अपील की थी कि मतदाताओं से कि वो पूरी कोरोना संक्रमण प्रोटोकॉल और साथ साथ एक दूसरे से इनकी दूरी बनाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मताधिकार का प्रयोग करना सबका अधिकार है और उसी के तहत सब अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाए। हालांकि कोरोना संक्रमित जो मतदाता है उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है वो करवाई गई है, जिस तरह से पहले पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव और अब जो पंचायत समिति जो पहले चरण का चुनाव उसमें भी ऐसे ही अलग व्यवस्था थी कि अंतिम समय में जो पॉजिटिव थे उनको मतदान के लिए भेजा गया, उनको मतदान के लिए पहले जो पीपीई किट पहन के ही मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया था, और उसी तरह अब भी मतदान केंद्र में पीपीई किट के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा, अंतिम समय में उनसे मतदान करवाया जाएगा। और विशेष बात यह है कि जो कोरोना पॉजिटिव है उनको आधार कार्ड के अनुसार पहले ही जो तमाम वहां के जो निर्वाचन अधिकारी है जो स्थानीय निर्वाचन उनको निर्देशित किया गया था कि उनके पास लिस्ट भेज दी गई कि ये है जो मतदाता है जिनके आधार नंबर ये है और ये कोरोना संक्रमित है, ऐसे में उनका चयन भी आसानी से हो रहा है और उनको कोरोना संक्रमित जो मतदाता है उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा, पूरा प्रोटोकॉल के साथ में उनको मतदान करवाने के लिए अनुमति दी जा रही है। इसके बाद साथ में बात करें तो दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता है, कोरोना का संक्रमण चल रहा है ऐसे में उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, वहां पर व्हील चेयर सहित जो अन्य जो तमाम जो साधन है वो अपनाए गए ताकि जो दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, सुविधा नहीं हो और वो आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ईवीएम के जरिए मतदान हो रहा है, ऐसे में बाहर जो मतदान केंद्रों के बाहर जो ईवीएम का जो चार्ट आता है वो चस्पा किया जाता है ताकि मतदाताओं को कंफ्यूजन नहीं हो और वो आसानी से अपने जो प्रत्याशी को चुन सके, ऐसी व्यवस्था निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। साथ साथ जो दूसरे और तीसरे चरण का जो मतदान है वो तीसरे और चौथे चरण का मतदान, यानी कि तीसरे चरण का मतदान 1 दिसंबर और चौथे चरण का जो मतदान है 5 दिसंबर को संपन्न करवाया जाएगा और उसके बाद में 8 दिसंबर को इनकी जो मतगणना है वो करवाई जाएगी, और जो मतगणना होगी वो सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना वो करवाई जाएगी और सभी चरणों की एक साथ मतगणना होगी। जी मनीषा जी, जयती जी, लोकेश जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो चुका है, 2 घंटे का समय बीत चुका है और फिलहाल अगर रुझानों की बात करें और मतदाताओं के उत्साह की बात करें तो वो देखते ही बनता है, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे समय के साथ और अधिक स्पष्ट हो जाए।